जब मैंने हाउ टू क्रिएट HD लोगो वीडियो क्रिएट करके अपने यूट्यूब पर अपलोड करी, उस पर बहुत सारे ऐसे कमेंट आए जिनमें लिखा था भाई हमको एक अच्छा सा बैनर बनाना सिखा दो, हम न्यू यूट्यूबर हैं। तो गाइस उनके लिए मैं लेके आया हूँ एक अच्छा सा बैनर बनाने का ट्रिक। तो गाइस सबसे पहले आपको अपने पिक्सआर्ट ऐप को ओपन करना है और ऐड टू फोटो पर क्लिक करके अपनी फोटो ले लेनी है बैकग्राउंड की। जो फोटो का बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस हम वैसे तो हम पिक्सल लैब में एडिटिंग करते हैं, तो गाइस हम इस ऐप में एडिटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें आपको कहीं भी PNG डाउनलोड करने की क्रोम से डाउनलोड जरूरत नहीं है, इसी में सब कुछ मिल जाएगा। तो गाइस आपको सिंपली एक बैकग्राउंड ले लेना है, ये तो सिर्फ ऐसे ही है। अगर आप में जो अगर हम लिंक देंगे उसमें अगर बैकग्राउंड में कोई नाम वगैरह लिखा हो तो उसको इरेज करने के लिए आप उसी कलर का बैकग्राउंड लेके उसके ऊपर रख दो गाइस, तो ये इरेज हो जाएगा। अगर गाइस नहीं लिखा हो तो इसकी कोई जरूरत नहीं है गाइस, इसलिए हम आपको दिखाना चाहते हैं क्योंकि गाइस अगर कई बंदों की ये होती है उसके बाद उनको प्रॉब्लम होती है। तो गाइस सिंपली स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद ऊपर एक सर्च का ऑप्शन है छोटा सा, तो इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आप एक पेज पर पहुँच जाएंगे फ्री फायर के। तो गाइज हम फ्री फायर लवर हैं गाइज, आप जिस चीज़ के लवर हो, मतलब गाइज आप पबजी लवर हो, पबजी की अपने लोगो क्रिएट करना चाहते हैं, बैन क्रिएट करना चाहते हैं, तो गाइज कमेंट करना। तो अभी हम गाइज एक अपने पेज पर पहुंच गए हैं जिस पेज पर हम पहुंचना चाहते थे गाइज। इसमें देखिए कई सारी PNG मिल जाएंगे जो गाइज आप क्रोम पर सर्च करते करते गाइज आपको बहुत टाइम लगेगा और उस मिलता भी नहीं कई बार। तो गाइज इसमें देखिए आपको ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि गाइज इसको साइनअप करना पड़ता है। तो इसका एक मैंने इसलिए ऐड किया, ये ट्रिक होती है, आप बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। नीचे कट का ऑप्शन है गाइज, इस एक कट से क्लिक करेंगे तो गाइज आप दोबारा बैक हो जाओगे, सब कुछ बैक हो जाएगा, दोबारा से आपको क्लिक करके उस स्टिकर को ऐड करना पड़ेगा गाइज। ये प्रॉब्लम, अगर गाइज आपको इसका प्रो वर्जन चाहिए तो मुझे कमेंट करना गाइज, आपको प्रो वर्जन मिल जाएगा। लेकिन गाइज इसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे लिंक मिलेगा, उस पर फॉलो करना गाइज, उस पर वर्जन मिलेगा इसका। तो गाइज यहाँ पर इसको अपने हिसाब से सेट कर लेना है, तो मैं भी अपने हिसाब से इसको कहीं भी जहाँ मतलब रखना चाहते हैं आप इसे वहाँ पर रख लीजिए। तो गाइज इस ऐप में स्टिकर का ऑप्शन जो है गाइज वो बहुत ही वंडरफुल है गाइज, इसी के ऑप्शन के लिए हम इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं। तो गाइज एक आपको ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड के लिए गाइज, ये देखिए इस ऑप्शन को लेकर अपने इस PNG स्टिकर के आपको डाउनलोड कर लेना है गाइस। ये आपकी मर्जी है, आपने जो आप बैनर बनाएंगे अपने पे इस वीडियो को देखने के बाद उस पर आप लगाना चाहें या ना लगाना चाहें। तो गाइस इसको मूव डाउन करने के बाद ये इसके बैक में चला जाएगा। तो भाई लोग वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है, लेकिन गाइज डिटेल से समझने के लिए थोड़ा लंबी करनी पड़ती है वीडियो। तो गाइज दोबारा स्टिकर पे जाके गाइज आपको नीचे जाना है। तो गाइज आपको ये देखिए गाइज एक बिजली का ऑप्शन दिख रहा है गाइज नीले कलर का, यानी थंडर इफेक्ट। तो गाइज इस थंडर इफेक्ट को आप डाउन कर लेना है सिंपली क्लिक करके दोबारा से। तो गाइज वही प्रॉब्लम जो आपको पहले बताई गाइज वही आएगी दोबारा साइनअप का, तो आप कट करके दोबारा करना। तो सिंपली गाइस इसको एडजस्ट करने के बाद आपको दोबारा स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइस हम सिंपली क्लिक कर लेते हैं स्टिकर वाले ऑप्शन पर, और गाइस आपको स्क्रॉल डाउन करने के बाद गाइस अगर आप फ्री फायर खेलते हैं गाइस सिंपली दिख रहा होगा गाइस ये लिखा हुआ है गरीना फ्री फायर PNG। तो गाइस इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसको डाउन करने के बाद गाइस अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना है। तो गाइस हम इसको फ्रंट पे लगाने वाले हैं गाइस, सबसे स्टार्ट पे फ्रंट पे, तो हमने इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। तो अभी गाइस हम इसको अच्छे से एडजस्ट करते हैं, और गाइस दोबारा हमको स्टिकर वाले ऑप्शन पे जाना है क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ इसी ऐप का है, और इसी ऐप को तभी हमने यूज़ किया क्योंकि स्टिकर वाला ऑप्शन इसमें है गाइस वो वंडरफुल है। तो गाइस हम दोबारा चलते हैं अपने स्टिकर वाले ऑप्शन पर। तो गाइस दोबारा हम आने के बाद नीचे जाएंगे गाइस, नीचे जाने के बाद गाइस नीचे जाते रहना गाइस, और नीचे जाना है गाइस दोबारा से एक थंडर इफेक्ट लेना है। अगर गाइस कई लोगों को प्रॉब्लम हो तो भाई थंडर इफेक्ट दोबारा से लेना पड़ता है, तो आप कॉपी कर सकते हैं, ऊपर कॉपी वाला ऑप्शन है, कॉपी कीजिए और गाइस ये थंडर इफेक्ट दोबारा से हो जाएगा। तो गाइस वो तो हम दोबारा ले, थंडर इफेक्ट हमको दो चाहिए था इसलिए हमको दिखाया गाइस आपको, हमने तो गाइस हमने थंडर इफेक्ट दोबारा से लिया। अभी गाइस आपको यहाँ पर जाना है गाइस, आपको ये दिख रहा है यूट्यूब इंस्टा फेसबुक, इसको लोड कर लेना है गाइस, हमने लोड कर लिया। इसके बाद गाइज आपको इसको एडजस्ट करना है, यानी गाइज आपको यहीं पर लास्ट में लगाना है, बिल्कुल एंड में गाइज, देखिए आपको छोटा कर लेना है इसको गाइज। ये भी ये बैनर आपको दूर से दिख रहा है गाइज, बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन गाइज जब आप इसको फ्रंट में, यानी गाइज जब अपने यूट्यूब पर इसको लगा देंगे तो गाइज ये बहुत जूम हो जाता है गाइज, बहुत ही जूम। तो गाइज ये बहुत ही जूम दिखता है, इसलिए गाइज अभी इसको छोटा लगा रहे हैं हम। तो गाइज सिंपली आपको सर्च पर जाना है, यानी गाइज स्टॉक पर, और स्मोक सर्च कर लेना है गाइज, इसमें सर्च करने की जरूरत नहीं है गाइज, पहले अवेलेबल है। तो गाइस स्मोक में जाने के बाद गाइस आपको बहुत सारे दिखेंगे, यानी गाइस ये होता है ना गाइस स्मोकिंग, यानी गाइस अगर आपको स्मोकिंग के अलग वीडियो चाहिए, जैसे गाइस आप टिकटॉक में देखते हैं गाइस वीडियो में चलती रहती है और नीचे स्मोक आते रहते हैं गाइस, वैसी वीडियो का अगर आपको सीखनी है
तो कमेंट करना। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारे स्मोक हैं यानी गाइस, जैसे अगर आप फोटो एडिटिंग कराना चाहते हैं यानी गाइस, आप बिल्ली चाहते हैं जैसे, या फिर कोई भी एनिमल चाहते हैं जिसके स्मोक जैसे आधा उड़ता हो, यानी गाइस अपनी फ़ोटो या चाहते हैं गाइस, तो कमेंट करना। तो हम सिंपली एक ले लेते हैं स्मोक। तो गाइस हमको ये वाला स्मोक अच्छा लगा तो हम ले लेते हैं। तो गाइस अभी इस स्मोक को सीधा ऐड ही नहीं करना गाइस, अभी ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपको ये जो सा आपको दोबारा उस स्मोक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और गाइस ये थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। तो गाइस आपको सामने थर्ड ऑप्शन पे एक ब्लेंडिंग ऑप्शन दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन पे, तो इसको आपने स्क्रीन करनी नहीं है। स्क्रीन करने के बाद गाइस ये बिल्कुल रियल लगेगा, आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं। गाइस हमारी वीडियो लगभग आधी पूरी हो गई, लेकिन गाइस अभी इसमें बहुत सारा चीज़ बाकी है जो गाइस आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे गाइस इसमें अभी अपने चैनल का नाम ऐड करना, तो गाइस अभी हम इसमें चैनल का नाम ऐड करने के लिए आपको, उससे पहले गाइस हम आपको सिखाते हैं यानी गाइस आपका जो मेन लोगो है गाइस उसको ऐड करना। तो गाइस लोगो तो कुछ सर्कल होता है, इसमें यही प्रॉब्लम है कि लोगों को पता ही नहीं होता। तो गाइस सिंपली आपको यहाँ पर लास्ट ऑप्शन दिख रहा है शेप, इस पर क्लिक करना है गाइस। ओके करने के बाद एक कट का ऑप्शन आगे दिख, जूम करके दिखा रहा है पिंक, इस पर क्लिक करने के बाद आपको थर्ड ऑप्शन पर जाना है। थर्ड ऑप्शन पे जाने के बाद गाइस सर्कल सेट कर लेना है। देखिए गाइस सर्कल आ गया, तो आपको सर्कल लेने के बाद इसको फुल जूम करना है, जो इसमें रेड रेड सा है गाइस, इस रेड के अंदर अंदर वाली चीज़ें सर्कल में आएंगी, बाकी सब बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो आपको इसके अंदर ले लेना है गाइस अपने लोगों को। तो सिंपली गाइस हमने ये ले लिया, अभी गाइस हम इसको टिक पर क्लिक करेंगे, ऊपर टिक का ऑप्शन है गाइस, टिक क्लिक करने के बाद गाइस ये आ गया। अभी इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो गाइस इसको आप जूम करना चाहे नहीं करना चाहे तो आपकी मर्जी है, तो हम जूम करते हैं। तो गाइस हमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर पूरा मतलब जूम करना है, जूम इन करना है, आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है गाइस। इसमें तो हम आपको कुछ सिखा नहीं सकते भाई, आपको ऐसा करना है वैसा करना है, ये तो गाइस अपने हिसाब से आप एडजस्ट करेंगे। आपको जैसा चाहिए मतलब जैसा लुक में चाहिए आपको, यानी जूम इन चाहिए जूम आउट चाहिए, तो गाइस हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना आपको। तो हम अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो गाइस हमको इसको अभी करना है जूम आउट, मतलब जूम फुल करना है, जूम मतलब जो हमारा ये स्क्रीन है गाइस, दिखाता हूँ गाइस कुछ ऐसा है करना है हमको। तो अभी हम चलते हैं दोबारा अपने टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर, नीचे जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन है इस पर जाने के बाद आपको गाइस, तो यहाँ पर लिखना है आपको सिंपली DS, यानी गाइस देसी टेक्निकल इफेक्ट नहीं लिखना भाई, हम अपने गेमिंग चैनल थोड़ा ना भाई, अपना टेक्निकल के अलग चाहेंगे। तो भाई लोग हम यहाँ पर मतलब DS रैबिट गेमर है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया भाई DS यानी देसी। तो हमने इसका इसलिए बनाया गया क्योंकि हमारे चैनल से मिलता जुलता नाम है, तो ये मेरे दोस्त का है। अगर गाइस आपको फ्री में चाहिए तो कमेंट करना। तो गाइस हम यहाँ पर कलर लेते हैं, अपने पेंसिल वाला ऑप्शन पर क्लिक किया और गाइस इसके हेयर के कलर को हम लेते हैं, क्योंकि इस कलर का बैकग्राउंड में भी बहुत कम है। तो गाइस ये हमें सारे ऑप्शन को आपको एक बार छेड़ लेने गाइस, आपको थर्ड ऑप्शन में जाना है स्टोक। तो यहाँ पर जाने के बाद आपको एक ऐसा कलर लेना है स्टोक, मतलब इसके अगल बगल लाइनिंग आपको एक ऐसा कलर लेना जो बैकग्राउंड में ना हो। तो गाइस हम ऐसा कलर ढूंढते हैं, तो गाइस येलो कलर इस बैकग्राउंड में आपको कहीं नहीं दिखेगा, तो हम येलो लेते हैं। और गाइस इससे आप जूम इन मतलब दूर दूर कर सकते हैं दोनों ऐसे उसको, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है गाइस, लोगों को बीच में रखना है। तो ये लेने के बाद आपको दोबारा जाना है एक ये ब्लेंडिंग ऑप्शन पर, आपको इसको कर देना है स्क्रीन या मल्टीपल, तो हम मल्टीपल करते हैं। तो मल्टीपल से गाइस जो इसके बैकग्राउंड में है वो गाइस इसके फ्रंट में आ जाता है। तो गाइस ये लेने के बाद आपको दोबारा अपने मतलब इस हम वीडियो को जो हम दिखा रहे हैं गाइस, इस वीडियो को आपको मतलब एंड से देखना है। और गाइस स्टार्टिंग में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो यानी गाइस आपको थोड़ी बहुत चीज़ समझना आ गई तो कमेंट करना। तो गाइस हम मतलब गाइस हमारे चैनल का नाम है, मतलब जिसकी हम वीडियो बना रहे हैं, जिस बंदे के लिए ये लोगो बना रहे हैं उसके चैनल का नाम है देसी रैबिट, मतलब समझ लो गाइस उसने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है DS रैबिट गेमर, तो हम रैबिट लिखते हैं। तो गाइस गेमर लिखने के लिए मतलब गाइस गेमर लिखने की क्या जरूरत है भाई, हमने मतलब जो बैकग्राउंड में ये गेमिंग का ही है सब कुछ, अगर जी तो सबको पता है भाई गेमिंग का यूट्यूब चैनल है। और गाइस जो हमने ये गेम अपना स्टिकर ऐड कर रखा है वो भी गाइस गेमिंग का बंदा है। तो गाइस अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है भाई, आपको कौन सा कलर चाहिए जो बैकग्राउंड में ना हो। तो गाइस जो हम तो मतलब कलर तो चेंज कर नहीं देंगे, तो गाइस हम इसको मतलब स्टोक वगैरह सब अपने हिसाब से कर लेते हैं। तो गाइस जब अपने हिसाब से करेंगे इसमें क्या बताऊँ गाइस आपको मैं, तो गाइस बस आपको इतना बता दूंगा। इस ऐप में आने के बाद गाइस आपको एक बार सारे ऑप्शन एक बार आपने चेक कर लेना, मतलब एक बार चेकआउट कर देना, एक बार क्लिक करके दोबारा नॉर्मल कर देना है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा जो आपने किया है पहले तो बस छोड़ देना उस पर गाइस, इससे आपको मतलब ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। तो गाइस हमने यहाँ पर सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए गाइस, हमको यहाँ पर एक ऑप्शन अच्छा लगा तो हमने उसको सेलेक्ट कर लिया गाइस। अभी गाइस हर एक बंदे मतलब अलग अलग पसंद आएगा भाई, क्योंकि भाई आपका और जो स्टॉक रहेगा मतलब जो आपने टैक्स में लिखा है गाइस वो उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो गाइस अपने हिसाब से कलर वगैरह एडजस्ट कर लेना, जैसे गाइस अभी हमको पहले अच्छा लगा था लेकिन गाइस हम इसको दोबारा चेंज कर रहे हैं, तो गाइस हमने चेंज कर लिया।
अभी हमको मतलब इसमें जूम करके आपको दिखाते हैं गाइस हमने कैसा बनाया है। तो गाइस आप इस वीडियो में बने रहे क्योंकि हमको ऐड करना भी सिखाएंगे। तो गाइस बाकी यूट्यूबर जो होते हैं गाइस वो आपको दिखाते हैं भैया क्रोम पे जाना है वहाँ पर ये सब करना है। गाइस ये सब मतलब आपको टाइम वेस्ट करते हैं। तो गाइस हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे यूट्यूब से ही कैसे मतलब अपने थंबनेल को कैसे लगाएं और अपने इस चीज़ को कैसे लगाएं वाइट स्टूडियो से, नहीं तो गाइस यूट्यूब से बिना कुछ वाइट स्टूडियो डाउनलोड। तो गाइस ये ट्रिक होती है जो यूट्यूब वाले आपको नहीं बताते। तो गाइस सिंपली हम इसको दोबारा टेक्स्ट पर जाते हैं गाइस और अपने मतलब इंस्टाग्राम आईडी देते हैं। गाइस जूम करके देखिए गाइस वो ब्रांडिंग करने के बाद गाइस रैपिड देखिए बिल्कुल लाइटिंग दिख रहा है। तो गाइस हम यहाँ पर लिखते हैं अपने इंस्टाग्राम आईडी। तो गाइस यही हमारा रियल इंस्टाग्राम आईडी है, यानी गाइस उस जिस बंदे की हम बना रहे हैं उसके पास नहीं है इंस्टाग्राम आईडी तो हम अपनी डाल रहे हैं। तो गाइस यही हमारे पास इसको इंस्टाग्राम आईडी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉलो कर लेना और मैसेज करना भाई हम 100 मतलब 100 गिवे चला रहे हैं, मतलब 100 मतलब लोग हो गया गाइस 100 में 50 या फिर गाइस 100 वो जैसे गाइस जो अभी बैनर बनाना सीख रहे हैं फ्री में, तो गाइस आपके लिए बना देंगे फ्री में 100 लोगो या बैनर। तो गाइस इसके बाद आपको यहाँ पर इसको भी एडजस्ट कर लेना है। तो इसका हम थोड़ा अलग करेंगे गाइस ताकि हमारा मतलब पता लगे लोगों को कि भाई ये मतलब उसका क्या कहते हैं हाँ गाइस कि इंस्टाग्राम का गाइस इंस्टाग्राम के लिए थोड़ा अलग करते हैं गाइस इंस्टाग्राम और उसका राइट इंस्टाग्राम की मतलब स्टार्ट करते हैं इंस्टाग्राम फ्रंट होता है। तो गाइस वो सब करने के बाद अभी हम आपको लेके चलते हैं अपने दोबारा मतलब ऐड टू फोटो में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दोबारा इस ऑप्शन पे आ जाना है ऐड टू फोटो में क्लिक करने के बाद। तो भाई लोग ऐड टू फोटो में क्लिक करने के बाद एक सब्सक्राइब का इसका भी गाइस आपको अगर ये चाहिए वीडियो तो गाइस ये सब हमने खुद क्रिएट किया है। तो गाइस अगर आपको ये सब चाहिए मतलब फोटो पिक्सल ऐप से मतलब ये एक ऐप होता है गाइस उससे नहीं लाया जाता गाइस, ये एक अलग ऐप होता है जिससे गाइस यूट्यूब वाले आपको मतलब जो बाकी यूट्यूबर होते हैं वो बताते नहीं हैं, वो चाहते हैं भाई आप मतलब यूट्यूब ना बना पाओ सही से कंटेंट। तो गाइस ये हम आपको पूरा सिखाएंगे, तो गाइस आपको सीखना पूरे एंड तक देखना है वीडियो में। तो गाइस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो यानी गाइस आपको कोई भी दिक्कत आए तो गाइस कमेंट करना, आप कमेंट करो गाइस हम आप उस दिक्कत को सॉल्व करेंगे। तो गाइस जिस ऑप्शन पे हम क्लिक करने होगा कह रहे हैं गाइस जिसका नाम हम अभी उनको याद नहीं हमने पढ़ा नहीं, तो गाइस आप एरो से देखें गाइस उस पर क्लिक करने के बाद ये गाइस वो है जैसे बादल वगैरह आप कई पिक्चर्स में ऐड करना चाहते हैं तो ये है वो गाइस बिल्कुल बादल वगैरह लाइट इफेक्ट्स यानी सनलाइट यानी मूनलाइट यानी फ्लावर यानी बटरफ्लाई यानी गाइस बहुत कुछ है इसमें गाइस। तो आपको ये लाइट इफेक्ट ऐड कर रहे हैं हम गाइस, सनलाइट इफेक्ट होता है ना गाइस ब्राइट, तो गाइस वो ऐड करना है आपको एस एस जो अपने मतलब लिखा है अपने नाम। तो गाइस ये अभी हमने ऐड कर लिया, अभी हम इसको में क्या रह गया, अभी सबसे मेन चीज़ रह गई भाई लोग यानी गाइस ये आपकी मर्जी है लगाओ। ये देखिए लाइन फ्रंट जो भी है गाइस ये इसमें गाइस सनलाइट जो होती है ना रेज वो रहती है गाइस, ये बहुत ही मेरे को पसंद है गाइस, आपकी मर्जी गाइस आप लगाओ अपनी वीडियो में ना लगाओ तो गाइस मैं तो लगाऊंगा। तो गाइस अभी यहाँ पर हम लगाएंगे, आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। तो गाइस ये तो मैंने इसलिए लगाया क्योंकि गाइस अभी हम आपको दिखाएंगे, तो गाइस ये तो हमने इसलिए लगाया कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसलिए हमने इसको लगाया है यहाँ पर। आपको कैसा लगा गाइस ये, तो गाइस हमने इसलिए लगाया था इसको। तो इसको लगाने के बाद अभी आपको अल्ट्रा में सेव करना है, तो गाइस इस ब्रश वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है गाइस, बाकी लोग ऊपर सेव करेंगे गाइस वो अल्ट्रा में सेव नहीं होगा। तो गाइस नीचे ब्रश के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपको इनमें से कोई भी छेड़छाड़ करनी है। तो गाइस ऊपर आपको एक 3 डॉट दिख रहा है लेयर के बगल में गाइस, उस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए सेव इमेज पर क्लिक करना है। अभी हम चलते हैं यूट्यूब पर, तो गाइस अपने चैनल पर आने गाइस हम उसके चैनल पर आ गए जिस बंदे के लिए हम बना रहे थे, तो गाइस हम उसके चैनल पर पहुंच गए। तो गाइस देखिए पहले का हमने HD बैनर बना रखा है, इसकी वीडियो गाइस बनाऊंगा गाइस, ये मतलब बहुत ही अल्ट्रा बैनर है, अगर आपको ये सीखना है गाइस ये तो हम पिक्सल लैब में बनाएंगे। तो गाइस सिंपली गाइस एडिटिंग चैनल पर क्लिक करने के बाद आपको यार यहाँ पर दिख रही है 2 कैमरे का ऑप्शन, तो गाइस एक तो लोगो का है एक बैनर का, तो बैनर वाले पर क्लिक करना है, गो टू अपने मतलब तो उसमें जाना है, उसके बाद एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है जो आपने अभी बैनर बनाया है, इसको जूम आउट मतलब जूम इन मतलब फुल जूम आउट कर देना है, मतलब गाइस बिल्कुल स्मॉल कर देना है। ये गाइस स्मॉल करने के बाद देखिए जो हमने बैकग्राउंड इसलिए रखा था क्योंकि गाइस वो बैकग्राउंड में फिर सिलेक्ट हो जाता है, मतलब गाइस बैनर का साइज अलग होता है और बैकग्राउंड में आप जैसे गाइस स्क्रॉल कर देते हो तो गाइस हाफ कट हो जाता है। तो गाइस ये आपको कैसा लगा गया बैनर, वैसे भी ये स्क्रीन पे कुछ अलग दिख रहा है क्योंकि मैं स्क्रीन कोडिंग कर रहा हूँ, इसमें अच्छे से जूम आउट जूम इन कर रहा मतलब अच्छे से एडजस्ट नहीं किया है, तो आप अपना बैनर मतलब अच्छे से एडजस्ट करना। गाइस देखिए आपने पिछला बैनर देखा कितने अच्छे से एडजस्ट किया था मैंने गाइस क्योंकि उसको मैंने टाइम लगाया था। तो भाई लोग अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए गाइस, अगर आप यूट्यूबर हो आपको मतलब जितने भी काम की वीडियो चाहिए जो अगर थंबनेल बनाना लाइक सीखना है आरव मेहता, तो गाइस कमेंट करना मेरे पास उसकी स्टॉक पड़े हैं, मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल आसानी से थंबनेल लाइक आरव मेहता।